Very good morning to all of you. You all are very welcome here on the channel Samaspur Tutorial 3M. Today we are going to discuss all the questions of type 1 of voice. Voice के type 1 के सारे questions हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर. लगभग यहाँ पर 25 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. 25 प्रश्न देखते हैं उसका क्या क्या उत्तर बनता है और वॉइस से रिलेटेड हम लोग जो थियरी है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको समझना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से ग्रामर में वॉइस से रिलेटेड आप चैप्टर्स देख सकते हैं. या फिर आप ऐसे भी देखेंगे ऑल इंग्लिश ग्रामर करके लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है. चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं. यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, अमित टीचर्स गर्ल्स. अमित क्या करता है, लड़कियों को पढ़ाता है, ठीक है. तो यह कौन सा टेंस है, सबसे पहले अगर हम टेंस की बात करें तो यह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या आई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो इसको फिर इसे फिर पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे और यहां जो सब्जेक्ट है इसे कहां लिखेंगे, ये सब्जेक्ट को यहां लिखेंगे, ठीक है. और वी वन या फाइव को हम लोग किस चीज में चेंज करेंगे, is, are या am plus v3 में चेंज कर देंगे, ठीक है. तो ये आपको देखना है मेनली कि कहां पर है, बाकी सेंटेंस के अदर वर्ड्स को भी आप चेक कर लेंगे इस प्रकार. और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखने से पहले एक प्रीपोजिशन ऐड करना है, ठीक है. तो प्रीपोजिशन में मोस्टली by का यूज होता है, बाकी कुछ अदर प्रीपोजिशन यूज होते हैं जैसे एट, टू, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, विथ, ये भी प्रीपोजिशन आपको देखने को कई बार मिल जाएंगे, ठीक है. तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, अमित टीचर्स गर्ल्स, मीन्स लड़कियों को पढ़ाता है. तो फिर क्या बनाएंगे, दी गर्ल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे, दी गर्ल्स. उसके बाद क्या हो जाएगा, इज एम आर में इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं. तो फिर आर, दी गर्ल्स आर. फिर टीच का भी थ्री फॉर्म क्या हो जाएगा, डॉट, देन आफ्टर बाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अमित. तो फिर यहाँ पर कहाँ पे, द गर्ल्स आर टॉट बाई अमित. अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, अमित इज टॉट बाय द गर्ल्स, तो ये रॉन्ग है. हु इज टॉट बाय द गर्ल्स, ये भी गलत है. व्हाई इज गर्ल्स टॉट बाय अमित, ये तो नहीं होगा. यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, द गर्ल्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया. फिर देन आफ्टर एक्सिलरी वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार आर. फिर टीच का भीतरी डॉट, देन प्रीपोजिशन आ गया. फिर उसके बाद क्या आया, अमित. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है. इन दिस वे अमित टीचर्स द गर्ल्स का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, द गर्ल्स आर टॉट बाय अमित, ठीक है. चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू पैसिव है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है. तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आई लव यू, ठीक है. तो यहां पर देख लीजिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वी वन है, फिर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, तो किस चीज का, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. देन आफ्टर इज या आर या एम, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर भीतरी डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रीपोजिशन डालेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है.
चलिए तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले यू आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यू, यू के साथ आर का यूज करेंगे, यू आर लव्ड, उसके बाद बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, यू आर लव्ड बाय मी, ठीक है, आई नॉमिनेटिव केस में है और मी हो गया आई का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो यू आर लव्ड बाय मी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यू आर लव्ड बाय मी, बाकी हु लव्ड यू ये गलत है, ये रॉन्ग है, फिर आई एम बीइंग लव्ड बाय यू ये गलत है, फिर आई शैल बी लव्ड बाय यू ये भी गलत है, तो इन दिस वे सेकंड नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यू आर लव्ड बाय मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, सी ईट्स एन मैंग सॉरी सी ईट्स एन ऑरेंज, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टेंस की बात करेंगे, तो टेंस में वही है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एन ऑरेंज इज ईटन बाय हर, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है, बाकी सब क्या है, ऑरेंज पास ये तो पास्ट में जाएगा नहीं क्योंकि फर्स्ट ही प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट राइट्स अ लेटर, रेखा एक खत लिखती है, यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, उसके बाद लेटर के बाद इज आएगा, उसके बाद रिटन और बाय लिखा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, इज रिटन तो ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें इज रिटन लरिवर प्लस मेंबर के रूप में, ठीक है, तो ये जहां पर होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ये यहाँ है तो ये हमारा सही ऑप्शन है, बाकी ये गलत है, ये भी रॉन्ग है और यह भी रॉन्ग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न, सी इज हेल्पिंग देम, अब यहाँ पर देखने के लिए है, मुख्य बातें हम लोग यह देखेंगे कि सबसे पहले टेंस को चेक करेंगे, प्रश्न संख्या 5 में यह कौन सा टेंस है, अगर टेंस की बात करिए तो यह कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए, यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो इज आर या एम प्लस बीइंग प्लस बीथिंग, मुख्य रूप से हम लोग को देखना है, ठीक है, कि यह मुख्य रूप से क्यों देखना है, क्योंकि यह जो एक्टिव वॉइस है वह कौन सा टेंस का एक्टिव वॉइस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला मुख्य रूप से देखने हैं, तो इसके पहले सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और उसके पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भीतरी कहाँ है, तो आर बीइंग भीतरी यहाँ पर है, फिर बाकी वर्ब बीइंग भीतरी है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर विल बी हेल्प्ड बाय यस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ से चला गया, फिर इज नॉट हेल्पिंग ये नेगेटिव कैसे चला गया, तो नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पर इस प्रकार भी एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग आंसर निकाल लिए, ठीक है, लेकिन ऐसे बनाएंगे कैसे, देम का दे नॉमिनेटिव केस में, फिर दे के साथ आर का यूज करेंगे इसमें से, दे आर बीइंग, फिर हेल्प का भीतरी हेल्प्ड, देयर आफ्टर प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न, मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग अस फिजिक्स, मिस्टर सिन्हा फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इन दिस वे हम लोग क्या बनाएंगे, वी आर टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा, या फिजिक्स इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, या हु टॉट फिजिक्स, या व्हाई इज फिजिक्स टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, तो ये तो सबसे पहले कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक जो है सेंटेंस नहीं है और ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है,
और तो फिर अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है तो फिर इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। तो उसमें से यहाँ पर कौन सा मेथड है, फिजिक्स टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, बाकी यहाँ पर अस का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है तो यह भी गलत हो गया। बाकी फिजिक्स को भी सब्जेक्ट के रूप में रख करके हम लोग बना सकते थे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वी आर बी टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी बना लिए। बाकी यह कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखेंगे, इज आर एम प्लस बींग प्लस V3। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपका स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इज हो गया, ये आर हो गया, फिर बींग हो गया और V3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये ऑग्ज़ीलियरी वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो वी आर बीइंग टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा, इन दिस वे ए ऑप्शन ए नंबर हमारा सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दे आर क्रिटिसाइजिंग यू, वे लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का मुख्य रूप से स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, होने चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में कौन सा है, आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड V3 यहां पर मिल गया हमें। अब बाकी का इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला लेते हैं, यू है तो यू हो गया, दे है तो दे हो गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम आर प्लस बींग यहाँ नहीं है तो इस प्रकार यह गलत हो गया, यह नेगेटिव चला गया तो इसलिए यह गलत हो गया, यह भी नेगेटिव है तो यह गलत हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग इसे इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल लिया। चलिए एट नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, वे लोग आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, ठीक है, और प्लस V3। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से होना चाहिए। चलिए मिला लेते हैं, आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड aren't being criticized यहाँ पर मिल गया हमें, is am r plus not plus being plus v3, बाकी subject object मिलाते हैं, you है तो you यहाँ पर आ गया और they है तो by them हो गया, तो इस प्रकार option number D हमारा सही answer हो गया। ठीक है, और option A A क्यों गलत है, क्योंकि यह structure को match नहीं कर रहा है। r criticized, being छूट गया, not छूट गया, आर बींग क्रिटिसाइज इसमें नॉट नहीं लगा है, यू आर नॉट क्रिटिसाइज में बींग नहीं है, इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत है और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नौ नंबर प्रश्न क्या है, नाइन नंबर क्वेश्चन। नो वन हैज कोऑपरेटेड हर, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। ठीक है, तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 होना चाहिए। ठीक है, अब मिला लीजिए, यह स्ट्रक्चर किसमें है, हैज नॉट, यहाँ पर नो वन है, नेगेटिव है तो नॉट बिल्कुल लगेगा, तो यहाँ पर नॉट लगाना है हमें, तो has not been cooperated, चलिए बाकी मिलाते हैं, has been cooperated इसमें not नहीं लगा है, गलत हो जाएगा, has यह भी इसमें भी not नहीं लगा, गलत है, ये negative, ये interrogative sentence है, गलत हो जाएगा, बिल्कुल option number A सही है, she has not been cooperated, बाकी no, anyone, someone, etc को हम लोग object के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए next प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 10 क्या है? Someone is knocking the door. कोई जो है दरवाजा खटखटा रहा है. तो यहाँ पर is knocking है, means यह present continuous tense है. अगर present continuous tense हो तो उसका passive structure में मुख्य रूप से क्या देखता है? Is are plus being plus be three. ठीक है, ये हम लोग को चेक करना है. तो चेक कर लेते हैं कि यह कहां पर है. इज बीइंग बी थ्री नॉट. ठीक है, तो ये तो ठीक लग रहा है. बाकी इज नॉट बीइंग यहां पर नेगेटिव आ गया, गलत है. इज बीइंग लॉक्ड तो यह भी ठीक लग रहा है. तो यह नेगेटिव, इसे हम लोग कट कर देते हैं. बाकी यह नेगेटिव इसे भी कट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? द डोर इज नॉक्ड एट. ठीक है, तो यहां पर यह ठीक था लेकिन एट नहीं लगा है. इन दिस वे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है. द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट. नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 11 हम लोग देख लेते हैं. प्रश्न संख्या 11 कैसे बनाएंगे? सी ऑलवेज क्रिटिसाइजेस यू. वह सदैव आपकी आलोचना करती है. यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इज एम आर प्लस बी थ्री. ठीक है, इज एम आर प्लस बी थ्री ला लीजिए. आर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड. ठीक है, बाकी यह नेगेटिव पे है, गलत हो जाएगा. नेगेटिव भी गलत हो जाएगा, इंट्रोगेटिव भी गलत हो जाएगा. इस प्रकार ये तो बस एलिमिनेशन मेथड से ही हमारा आंसर मिल गया. बाकी इसका सही उत्तर ऐसे है, यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड बाय हर. आप सदैव उसके द्वारा आलोचित किए जाते हैं. ठीक है, अर्थात वह सदैव आपकी आलोचना करती है. एक्टिव और पैसिव में अर्थ थोड़ा सा डिफरेंस है. एक्टिव में जो है सब्जेक्ट प्रधानता होती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है. ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना है, कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी इतना टफ नहीं है, आसानी से अपना सकते हैं. चलिए प्रश्न संख्या 12. स्नेहा रिसाइट्स द पोयम. स्नेहा पोयम को रिसाइट्स करती है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या लिखना है? इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए इज आम आर प्लस बी होना चाहिए. ठीक है, तो पोयम से प्लूरल है, दी पोयम प्लूरल, उसके साथ आर लग जाएगा. तो द पोयम्स आर रिसाइटेड कहां पर है? दी पोयम्स आर रिसाइटेड बाय स्नेहा. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बाकी ये तीनों रॉन्ग हो गया. ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13. प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं. ही हैज किल्ड अ स्नेक. उसने सांप को मारा है. ठीक है, मार चुका है. तो यहां पर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होना चाहिए हैज हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं. ए स्नेक के साथ हैज का यूज करेंगे. तो ए स्नेक हैज, ठीक है, और बीन किल्ड बाई हर. तो ऑप्शन नंबर डी सही है. तो स्वाभाविक है ये तीन सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे. चलिए ऑप्शन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं. 14 नंबर प्रश्न, वी हैव बोट बुक्स. यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए हैज हैव प्लस बीन बीन प्लस बी थ्री. ठीक है, तो यहां पर देखिए द बुक्स है. तो बुक्स है तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे. ठीक है, बुक्स के साथ किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे. तो क्या बन जाएगा? बुक्स हैव बीन बोट बाय अस. ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, बाकी तीन गलत हो गया. ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न, समवन हैज स्टोलन माय वॉच. किसी ने मेरा वॉच चुरा लिया है. ठीक है, यह भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो स्ट्रक्चर पैसिव में क्या बन जाएगा इसका? Has, have, has या have plus
हो जाएगा V3, ठीक है। मीन्स माई वॉच के साथ क्या लगाएंगे, माई वॉच के साथ यहाँ पर हैश का यूज करेंगे, ठीक है। तो माई वॉच हैज बीन इंस्टॉल्ड, कहाँ है माई वॉच हैज बीन इंस्टॉल्ड, समवन एनीवन नो वन इत्यादि ये सब हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। माई वॉच हैज स्टॉल्ड, माई वॉच आर स्टॉल्ड, माई वॉच इज स्टॉल्ड, ये तीन गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिज पॉकेट यह सब्जेक्ट रूप में लेंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज का यूज करेंगे, तो हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ठीक है। हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड यह गलत है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यह पैसिव स्ट्रक्चर है और हिज पॉकेट हैज पिक्ड तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट में है जो कि पैसिव यह एक्टिव फॉर्म में है, जब पैसिव फॉर्म में नहीं है। फिर नेक्स्ट हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बाकी हिज पॉकेट इज पिक्ड यह भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, महेश इज क्लीनिंग द कार, महेश कार की सफाई कर रहा है, यह प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में द कार क्या हो गया ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। उसके बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक है। द कार के साथ इज लगेगा, द कार इज बीइंग क्लीन्ड क्या है, द कार इज बीइंग क्लीन्ड ठीक है बाय द महेश, ठीक है। द कार इज बीइंग क्लीन्ड बाय महेश, यहाँ पर द एक्स्ट्रा हो गया है, द को नहीं लिखना है, यहाँ पर मिसप्रिंट समझिए, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, द कार इज बीइंग क्लीन्ड बाय महेश, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर द कार हैज बीन क्लीन्ड गलत, द कार हैज क्लीन्ड नहीं होगा, द कार इज क्लीनिंग बाय द महेश ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पैसिव में तो वर्ब हमेशा भीतरी फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ तो भीतरी फॉर्म में नहीं है, इसमें से हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, प्रियंका रिसाइट्स द पोयम, द पोयम उसके बाद क्या करेंगे, इज रिसाइटेड, द पोयम इज रिसाइटेड बाय प्रियंका, द पोयम इज रिसाइटेड बाय प्रियंका, बाकी ये तीन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का स्ट्रक्चर है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, यहां पर सब्जेक्ट देंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद देन आफ्टर क्या करेंगे, इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन डालेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी द फुटबॉल पहले आएगा, जिसके हिसाब से द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड ये विल है, फ्यूचर है, गलत हो जाएगा, यह भी फ्यूचर है,
गलत हो जाए तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द लीग, ठीक है, फिर ये गलत हो जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं हम लोग। We have helped them, हम लोग उनका मदद किया है, ठीक है। तो फिर ये them पहले आ जाएगा, तो फिर them लिखेंगे, ठीक है, them का they हो जाएगा। They have been helped by आज हम लोग करेंगे, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। दे हैव बीन हेल्प्ड दे के साथ आर है या गलत हो जाएगा। दे हैज बीन दे के साथ हैव आता है, दे आर यहाँ भी गलत है। दे हैव बीन हेल्प्ड बाय अस ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, स्नेहा क्लियर्स हर पेरेंट्स, स्नेहा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इज एम आर, उसके बाद क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस बी, ठीक है, पेरेंट्स हर पेरेंट्स, उसके साथ क्या लग जाएगा, हर पेरेंट्स आर क्लियर्ड बाय स्नेहा। मिलाइए कहाँ है, हर पेरेंट्स आर केयर्ड बाय स्नेहा, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग दी पेशेंट, डॉक्टर क्या कर रहा है, रोगी का परीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है। तो यहाँ पर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है, द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, स्वाभाविक है, जो रोगी का जांच तो डॉक्टर ही करेगा ना, तो डॉक्टर को हम लोग लास्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत, दिस वे डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। चलिए 23 नंबर प्रश्न, आई ऑलवेज एनकरेज हर, मैं हमेशा उस क्या करता हूँ, उसको उत्साहित करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यह प्रेजेंट इंडिफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बी थ्री, ठीक है, यहाँ पर मिलाइए हर का क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद सी के साथ इस लग जाएगा, सी इज ऑलवेज एनकरेज्ड बी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लोग मिला देते हैं, सी इज ऑप्शन गलत है, सी इज ऑलवेज एनकरेज्ड ये सही है, बाकी हैज बीन विल बी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया इसका, आई ऑलवेज एनकरेज हर, मैं हमेशा उसको उत्साहित करता हूँ, तो फिर इसका हो जाएगा सी इज ऑलवेज एनकरेज्ड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर प्रश्न हम लोग बनाते हैं, सी एडमायर्स मी, वह मुझे एडमायर करती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम एडमायर्ड, एडमायर का भीतरी आई एम एडमायर्ड, देन आफ्टर क्या हो जाएगा बाय, आई एम एडमायर्ड बाय हर, ठीक है। तो कहाँ है, आई एम एडमायर्ड बाय हर, ऑप्शन नंबर एक गलत है, सही है, और बाकी तीन गलत है, ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 25 नंबर प्रश्न, नो वन has seen her for the last 5 years, या present perfect tense में, तो present perfect का present कैसे बनेगा, has had plus been plus, ठीक है, क्या करेंगे passive में, has had plus been, ठीक है, been plus भी थ्री, यहाँ पर the last 5 years है, ठीक है, the last 5 years है, तो फिर क्या करेंगे, उसी के हिसाब से बनाएंगे ना, लास्ट 5 years को बाद में लिखेंगे, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हर का शी बन जाएगा, ठीक है,
और सी के साथ हैश या हैव लगेगा, हैश लगेगा, ठीक है। तो सी हैश नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, सी हैज नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। दिस वे आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ठीक है। कितने टेस्ट हम लोग कंप्लीट किए? 25 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट किए, 25 by 25, ठीक है, करेक्ट। बाकी इसका सारे के सारे पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल समस्तपुर ट्यूटोरियल 3M पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन जो भी कह लीजिए या फिर इस चैनल का और सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से फिर आप ज्वाइन करके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग वॉइस का नेक्स्ट टाइप या टाइप वन था, जो कि प्रेजेंट में सिम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सारे के सारे था, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड था, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ये अगले दो टाइप, फिर उसके बाद वॉइस का जो कुछ एक्स्ट्रा होता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनेगा, लेट से कैसे बनेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव का वॉइस कैसे बनेगा, इन सारे कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग टाइप करके, अलग अलग टाइप करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।